इसमें आज हम फास्ट कैम नर्सिंग सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बताऊंगा कैसे किस तरह से इसे यूज करना है। जो पोर्टेबल सीएनसी मशीन में ये सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो ये फास्ट कैम नर्सिंग सॉफ्टवेयर है। इसके साथ में हमें एक इसका मैनुअल मिलता है फास्ट कैम नर्सिंग सॉफ्टवेयर का, प्लस उसका एक ये सीडी है जिसमें उसका प्रोग्राम लोड करने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा है ये डोंगल की, ये जो कि है दिखने में तो पूरा एकदम ये पेंड्रा जैसा है, लेकिन इसे इसे एज ए पेंड्रा यूज नहीं करना है, एक की है ये सॉफ्टवेयर रन करने के लिए। तो सबसे पहले फास्टकैम नर्सिंग सॉफ्टवेयर को चालू करने के लिए ये जरूरी है। तो इससे पहले अपने हमें अपना जो सीपी है उसे इंसर्ट करके चालू करना है। जब वो लाइट ब्लिंक करने लगा तो इस मीन्स वो एक्टिव हो गया है। अब यहाँ पे मॉनिटर पे फास्ट कैम नेस्ट ऑन करना है, फास्ट फास्ट नेस्ट क्लिक किया। ये इसका स्क्रीन है, मेन स्क्रीन रिलोड हो गया। ये येलो लाइन जो है ये ब्लैंक साइज दिखा रहा है, और आप देखेंगे राइट साइड में ये प्लेट साइज है, क्या एरिया है वो सब मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले जब ये फर्स्ट पेज है इसका फास्ट कैम नेस्टिंग सॉफ्टवेयर का, इसमें सबसे पहले हमें नेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट पार्ट प्लेट साइज डिसाइड करना है। ये है चेंज प्लेट, आप देख रहे होगे, चेंज प्लेट पे क्लिक करना है और एक नया न्यू पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पे पूछा जाता है ब्लैंक का जो मेरा प्लेट साइज है उसका लेंथ विड्थ थिकनेस। तो इसमें मैं जैसे मान लीजिए मैं प्लेट थिकनेस डाल रहा हूँ, लेंथ जो डाल रहा हूँ मैं 2 मीटर और विड्थ जो मैं डाल रहा हूँ 1 मीटर और थिकनेस 5 mm, इतना सफिशियंट है। अब आगे इसे कंटिन्यू डन कीजिए, आप देखेंगे कि प्लेट का साइज चेंज हो गया है। ये मेरा 2 मीटर का लेंथ है और ये है 1 मीटर का, और ये जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है ये मेरा होम पोजीशन है जहां से मेरा टॉर्च मूव होगा, मतलब ये मेरा होम पोजीशन है।